العصر بس يجي. أنا بكر اللي صار عندك يا بكر. गर्मा गर्म गार्लिक के अंदर अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, छुपे एक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रजस एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। भाई इस टाइम मौजूद है इजिप्ट में और जो शहर में जिसमें हम वॉक करते फिर रहे हैं ये कायरो कैपिटल ऑफ इजिप्ट और ये कसरे नाइल ब्रिज है। इस तरफ सारा आपको दरियाए नील मेरे साथ चलता हुआ नज़र आ रहा है। क्या खूबसूरत मंजर है, एक हेजी दिसंबर की खूबसूरत सुबह और मिस्र की सड़कें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, ऑल गाइस इज गुड। खैर आज मैं कायरो के अंदर शदीद मज़ेदार किस्म की चीज़ें खाने वाला हूँ, कबाब, कोफ्ते, फलाफल, फूल और जो जो चीज़ें यहाँ आज मुझे मिलती जाएंगी। भाई अकेला कायरो की सड़कों पर खाने तलाश करते हुए। ब्रदर योर हेयर स्टाइल इज़ रियली गुड, मैं कहते बाल बड़े टाइट में। वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ डाउनटाउन और क्या हिस्ट्री और क्या कल्चर आप फील कर सकते हो डाउनटाउन कायरो के अंदर। पहली चीज़ जो मैं अपना नाश्ता जो शुरू करने लगा हूँ सुबह सुबह वो है अल गहश। ये एक जगह है नाश्ते के लिए और इजिप्ट के अंदर जो नाश्ता किया जाता है वो फूल, फलाफल और इन चीज़ों से किया जाता है। वो अभी सामने मेरे बन रहे हैं, फलाफल बन रहे हैं बड़े हैवी से पैक के साथ सुबह सुबह। फलाफल का एक मिक्सर इन्होंने बना के रखा हुआ है फावा बीन्स का, उसके अंदर धनिया वगैरह डाल के उसको जो इन्होंने ग्रीन किया होता है और वो एक मतलब अपनी मुट्ठी में से उसको निकालता है। एक साइड पर उसने सूखा धनिया रखा हुआ है, उसके जो बीज होते हैं वो हाथ पे लगाता है, वो फलाफल पे लगते हैं, फिर उसके बाद वो फ्राई होता है। मतलब इतने मज़ेदार तरीके से फलाफल बना रहा है फुल स्पीड में और एक तरफ बैंगन फ्राई हो रहे हैं। बैंगन के बड़े शौकीन है ये। This is a full. Okay. And falafel. Falafel. Eggs. Eggs. Potato. किचन की सैरें करवा रहे हैं मुझे। अलगाश फूल फलाफल अलगाश तहीनी तहीना अरे स्पाइसी 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 पटाटिस 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 स्पाइसी पटाटिस स्पाइस ना बाबा बाबा गनू बाबा गनू आई नो मस्ली मस गिबना 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 अदीमा जेद ओ तहीना ऑयल तुर्शी 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 पिकल्स तुर्शी फूल फूल जैतून फूल Yes. أكبر حمر في مصر. ليمون. ليمون. الفول. بعدين طعمية. دان. طعمية قاش. طعمية قاش. رقم واحد. قاش. यस गाश। हेवी ब्रेकफास्ट मेरे पास आ चुका है। एक इजिप्ट का जो हर घर में डेली खाए जाने वाली जो चीज़ें होती हैं, मतलब आपको दो चीज़ें इजिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हर कोने पे हर जगह पे मिलेंगी, उसमें से एक तो है फलाफल और क्या ये आला किस्म का फलाफल बनाते हैं पहले भी मैंने खाया, दूसरी चीज़ है फूल और उसके अलावा मेरे पास इस टाइम फ्राइज़ हैं, बाबा गनूख है, पटाटेस है, पिकल्स हैं, एग प्लांट है, फ्राइड एग प्लांट, बैंगन बहुत ज़्यादा खाते हैं ये यहाँ पे, और उसके अलावा दी मोस्ट फेमस बलदी ब्रेड फलाफल। ओह अभी फ्रेश बन गया है और इतना सॉफ्ट और फ्लफी है कि मैंने उसकी बाइट ली है और वो कहता है कि बेटे बस मैं आई हूँ। इतना क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से एक्सट्रीमली सॉफ्ट, और मैं खा रहा हूँ तो वो मेरे मुँह में ऐसे ज़रा फ्लफी सी फील नहीं आती। बाकी मिडल ईस्ट के अंदर फलाफल जो बनते हैं वो चिक पीस से बनते हैं, लेकिन इजिप्ट के अंदर फलाफल बनाए जाते हैं फावा बीन्स से जिससे फूल बना हुआ है। यहाँ पे फावा बीन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। हाँ 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 दूसरी चीज़ बलदी ब्रेड के साथ मैं ट्राई करूँगा फूल, जो कि मतलब इतनी एक हेल्दी चीज़ है फूल, ये भी फावा बीन से बनती है और बहुत ही स्लो कुक भी होती है। इतने बड़े से उन्होंने एक वो रखा हुआ है सिल्वर कलर का, उसके अंदर इसको बनाते हैं और पकता रहता है, उसकी वजह से बहुत ही थिक किस्म की इसकी जो है वो ग्रेवी है और नीचे पूरी इसकी लेयर जो है वो ऑलिव ऑयल की। एक हैवी थिक बाइट। ओए होए 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 यार, ये इतनी कोई आला नस्ल की ये चीज़ है फूल, मतलब प्रॉपर आपको एक थिक, जिस तरह रेड बीन्स अगर आपने खाए उसका सालन बनता है टेक्सचर वो वाला फील आपको करवाता है, ज़रा थिक हरीसा हलीम टाइप, लेकिन बहुत मज़ेदार। बीच में बीन्स आते हैं
और ऑलिव ऑयल का टेस्ट और ज़रा ऐसे खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ रहा है। अभी मैं इसके ऊपर डालने लगा हूँ तहीनी सॉस, तहीना भी बोलते हैं, तहीनी भी बोलते हैं, और ये मेरी फेवरेट सॉस है इजिप्ट के अंदर। ये डाल के और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगा। मिक्स करके अब इसको ब्रेड के साथ लगा के खाएंगे। बाइट फुल ऑफ फूल, फुल ऑफ फूल, और साथ में तहीना। शदीद तरीन मज़ेदार। ऊपर से ये फूल हेल्दी इतना है, फुल ऑफ प्रोटीन, बीन्स है उसके अंदर, और साथ में इन्होंने ऊपर एक मसाला सा डाला हुआ है। एकदम से बड़ा खट्टा सा टेस्ट, साथ में तहीना का जो टेस्ट है वो भी बड़ा सावर सा टेस्ट होता है। यार ये एग प्लांट बहुत ज़्यादा खाते हैं ये, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं है ये। पटैटिस, पटैटिस, और पटैटिस के ऊपर इन्होंने टोमेटो सॉस डाली हुई है। पिछली वीडियो में जिस तरह हमने सैंडविच बनाया था वैसे सैंडविच बनाते हैं और अपना नाश्ता एंड करते हैं। बलदी ब्रेड के अंदर एक फलाफल, उसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूंगा फूल भर के। आह हा 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 हा, पॉकेट सैंडविच तैयार हो रहा है। थोड़े से फ्राइज़ डाल लेते हैं, फूल फलाफल फ्राइज़ और ऊपर तहीना। ओए होए 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 होए, फुल ऑफ सॉसी और फलाफल से भरा हुआ फलाफल। क्या आला नस्ल की चीज़ है यार ये फलाफल। और ये हमारा टपकना सैंडविच तैयार हो चुका है। इतने डिफरेंट टेक्सचर का मिक्सचर है इसके अंदर। मेरे फ्राइज हैं बिल्कुल सॉफ्ट, फलाफल क्रिस्पी और सॉफ्ट, और बीच में फूल के जो बीन्स आ रहे हैं, यार क्या बात है यार। ये तहीना सॉस को पाकिस्तान में होना, ये तीन चीज़ें इनमें से पाकिस्तान में लाजमी होनी चाहिए, फूल फलाफल और तहीना। बाकी ये बैंगन तो अपने वैसे ही अन्ने वाह अम्मियाँ पकाती हैं, हर दूसरे दिन अम्मी को कुछ ना समझ आ रहा हो, अम्मी बैंगन पका देती हैं। कसम से भाई, पाकिस्तान से आने के बाद सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ वो पाकिस्तान की चाय है। वर्ल्ड्स बेस्ट टी इज़ इन पाकिस्तान। लैंग्वेज बैरियर्स, ये बिल आया, इस पे नीचे लिखा हुआ है 00। मुझे लगा पैसे नहीं ले रहे, वो मैंने उसको बुला के पूछा, मैं क्या कितने हो गए, कहता 55। प्रैंक हो गया। अभी भी शुक्रा, अभी भी इन और टिक्का शुक्रा, वल्लाह इन और टिक्का शुक्रा, या जमील या उमर। भाई आपस की बात है, शुक्र है यहाँ पे कोई मीट वाली चीज़ नहीं थी, वरना मेरे जहन में हमेशा ये चीज़ रहती कि मैंने खोता खा लिया, क्योंकि उन्होंने पहला रेस्टोरेंट देखा है, हर बोर्ड के ऊपर खोते की तस्वीर लगाई होती है। सोचो अगर लाहौर में ऐसा कोई रेस्टोरेंट होता जिसमें बोर्ड पे डोंकीज़ लगाए होते हर बोर्ड के ऊपर, कि पता नहीं इन्होंने क्यों लगाए हैं खोते। ब्रदर योर हेयर स्टाइल इज़ रियली गुड, मैं कह तेरे बाल बड़े टाइट में। अगली लोकेशन के लिए मैंने ऊबर करवाई थी, और कायरो के अंदर सबसे बेस्ट वे है अगर कोई 2-3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपने जाना तो ऊबर बाइक करवाओ, वो ऐसे तेज़ फुल उड़ते हुए पहुंचाते हैं आपको। और कोई अभी मेरा 13 पाउंड लगा है वहाँ से यहाँ पे आने में, 3 किलोमीटर का रास्ता, तो बिल्कुल ठीक है। अगले स्पॉट से पहले मैं पहुँचा हूँ बाज़ार मिस्र में, और यहाँ पे ये जो गेट है जिसके नीचे से मैं गुजर रहा हूँ, शुरू में कायरो के जितने भी दरवाजे थे उनमें से 3 दरवाजे आज तक बाकी हैं, उनमें से एक ये मेरे पीछे बाबे जुएला। होती जो खून के रिश्तों में मोहब्बत, यूसुफ ना बिकता मिस्र के बाजारों में। कायरो में अपनी दूसरी चीज़ खाने के लिए मैं पहुंचा हूं नसर सिटी में। नसर सिटी कायरो के अंदर ही एक इलाके का नाम है, कोई अलग सिटी नहीं है। यहां पे एक है अल सुल्तान पिज़्ज़ा, उन्होंने लिखा हुआ है पिज़्ज़ा अल सुल्तान। अल सुल्तान ये फ़तीर जो है इजिप्शियन पाई, फ़तीर बहुत ज़्यादा खाई जाती है इजिप्ट के अंदर। यहाँ पे असल पिज़्ज़ा बहुत बाद में शायद आया, अभी नौजवान नस्ल ने खाना शुरू किया, यहाँ पे इजिप्शियन पाई खाई जाती है हमेशा से, और वो इतनी कोई नस्ल की ये चीज़ बनाते हैं। मैंने एक और जगह पे खाई थी, अभी उसका हैवी शपैक यहाँ पे चल रहा है, उसको वो बना रहे हैं मिक्स मीट चीज़ पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल के। ये सारी डो पड़ी है, और डो को लेके जाते हैं इधर, उसे पहले अच्छी तरह से वो प्लेन करते हैं,
इस स्लैब के ऊपर और प्लेन करने के बाद इन्होंने अब इसको हवा में घुमाना है। ये जादू ये इसकी लेयर को बिल्कुल बारीक कर देते हैं। इतना बड़ा हो चुका है कि उसकी आधी साइड यहाँ पे नीचे है। मिक्स मीट, ओहो, अन्ने वाह क्रीम चीज, आहा, इसने फिर चस करवानी है ना। फुल ऑन शपैकी तरीके के साथ जो है वो फ़तीर बन रही है उसको। ये पूरा इस तरह, मतलब मैंने जो बनवाई है उसके अंदर मैंने मिक्स मीट और चीज़ सारा कुछ ऐसे तुन पर बवंजा करवा के बनाई है। वो बना के फिर ये डालते हैं ब्रिक ओवन के अंदर। असल गेम वहाँ है जो ऑथेंटिक तरीके से ये बनता है। उसके बाद जब इसने बाहर आना है, खुशबुएँ अभी से उड़नी शुरू हुई हैं। न्यूटेला White chocolate. Wow. Oh. Heaven of chocolate. Oreo. Crushed Oreo. अशावा बशीरिया, फुल ऑफ लोटस। लोटस लवर्स के लिए हेवन है ये। क्रश लोटस से भर रहे ने उन्हों। अरे सुल्तान ने मेरा टेबल ऐसे भर दिया है। मतलब एक पूरी मिक्स मीट मिक्स चीज़ इजिप्शियन पाई है, फ़तीर मेरे पास, उसके अलावा एक इन्होंने मुझे खुद से बना के दिए वो न्यूटेला फ़तीर, उसके अलावा एक लोटस फ़तीर। ये इतना कुछ है कि मैं पॉसिबल ही नहीं है खा सकूं, क्योंकि ये फ़तीर भी फुल साइज़ की इन्होंने मुझे बना दी है। वैसे फ़तीर के ऊपर जो है वो चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से डलवाओ तो डलवाओ, ऊपर होती नहीं है, ये सिर्फ बंद पिज़्ज़ा होता है एक तरह से। फ़तीर के कोई 20 इन्होंने पीसेस किए हुए हैं, एक मैंने उठाया और फ़तीर बाबा। यार फ़तीर इस लेवल की हैवी चीज़ है। ये पहली दफ़ा मैंने दुबई में खाई थी, तब से ये मेरी एक फेवरेट चीज़ है। आज मुझे पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ, मुझे सुबह से हो रहा था कि मैं फ़तीर खाने कब पहुँचूँगा। क्या कमाल एक लेवल चीज़ है। मतलब उसको वो बारीक से उसकी डो को इतना बारीक कर देते हैं कि उसके अंदर मलमल के कपड़े की तरह आपको नज़र आ रहा होता है। फिर उसके ऊपर एक गोल सी डो और रखते हैं, उसमें सारी चीज़ें रख के फिर उसको अच्छी तरह से ये बंद कर देते हैं, तो वो कुछ 2-3 लेयर्स उसकी बन जाती हैं। उसके बीच में मिक्स मीट मिक्स चीज़ क्रीम चीज़ भी ऐड करते हैं। इन्होंने रूमी चीज़ डाली है जो इजिप्शियन चीज़ होती है, वो इतनी इतनी टुकड़ियों में होती है, और ऊपर इन्होंने चेडर और मोज़रेला मिक्स। यार आप सोचो कि जो बाइट के अंदर आपको एक हैवी मज़े फील हो रहे हो ना, कुछ तो शपकल मधुरी का दीना जंपल था, एक्सट्रीम लेवल हैवी। वो प्रॉपर मिक्स मीट, बीच में मिक्स बीफ डाला हुआ है, साथ में सॉसेजेस आ रहे हैं, साथ में इन्होंने जो बीफ बेकन होता है वो डाला हुआ है, मतलब डिफरेंट टाइप के मीट का मिक्सचर। बीच में जब क्रच करके सॉसेज और मशरूम आते हैं ना, वह अंदर चीज़ की तरह क्रीम चीज़ वो एक है ही, एक हेवन है। और ऊपर चीज़ इनसाइड आउट पिज़्ज़ा ये। तो यस मानो, हाँ मैं मानो, ये लो। मतलब इसके अंदर इसी तरह है कि आप एक बाइट लेते हो, आपको थोड़ा हार्ड मीट, सॉफ्ट मीट, मिन्स मीट, सॉसेजेस, कड़ाच मड़ाच, वो अंदर मिक्सचर से आ रहे हैं। न्यूटेला फ़तीर इतनी लोड हुई है कि उसके अंदर पहले उन्होंने न्यूटेला की लेयर लगाई, फिर अंदर बनाना कट करके उन्होंने रखे, उसको रोल करके कट किया, फिर उसके ऊपर वाइट चॉकलेट डाली, उससे पूरा कवर करके फिर दोबारा ऊपर न्यूटेला से कवर किया, फिर ओरियो क्रश करके वो उसके ऊपर डाले। ये बहुत ज़्यादा हैवी है यार, इसके इतने बड़े बड़े पीसेज हैं और डिस्पोजेबल इन्होंने छुरी कांटा दिया हुआ उसके साथ, तो ये टूट नहीं रहा। वाह
पूरी बाइट खाने की कोशिश करता हूँ। ये एक बाइट नहीं थी, ये एक जंग थी। इतना ज़्यादा हैवी है कि उसकी बाइट जो है वो मुंह में घुमाई नहीं जा रही, इतनी थिक चॉकलेट है। ये लोटस ज़रा इंसानों वाला है, इसको मैं हाथ से भी उठा के खा सकता हूँ। ओहो, ये है असल। ओहो, इसके अंदर चीज़ें जितनी हैं उतनी होनी चाहिए। ये इतना मज़ा करवा रहा है। अंदर सिर्फ एक लेयर इन्होंने लगाई है लोटस स्प्रेड की, उसके ऊपर लोटस बिस्किट रखे हैं, उसको बंद किया है, फिर से ऊपर क्रश लोटस बिस्किट डाला हुआ। ये एक प्रॉपर लोटस हैवी डिज़र्ट है, वो तो समय से बाहर की चीज़ है। ओके अभी भी शुक्रान शुक्रान जब आप इजिप्ट में हो और आप कोशरी ना खाओ, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप ना भी खाना चाहोगे तो आपको ज़बरदस्ती खानी पड़ेगी, क्योंकि हर गली मोहल्ले में कुछ और मिले ना मिले कोशरी मिलती है। लेकिन हम कायरो की बेस्ट जगह पे आए हैं कोशरी खाने के लिए, कोशारी कोशरी, कुछ लोग कोशारी बोलते हैं कुछ कोशरी बोलते हैं। तो मैं कोशारी खाने आया हूँ अबू अल तारिक पे। I am from Pakistan. Aha. Yes. Pakistan. Welcome. Thank you so much. You are from Cairo? Yeah. Oh, nice. I love your city. I love your city. Yes. Now this is something really shapeki. मतलब यहाँ पे आके सही फील हो रहा है कि कोई स्ट्रीट फूड स्पॉट के ऊपर मैं हूँ, आवाम के हाथ ऊपर निकल रहे हैं और वो बना रहे हैं इतने हैवी तरीके से। यार कमाल हुई खड़ी है इधर। We make the kushari for the kitchen. We give the arroz and macaroni and some fried onion and black lentils. And chickpeas, we make it same like the old guys. You put first time rice, put after macaroni, put black lentils, put fried onion, mix together all. Okay, boy, okay. You need to Urdu, how you learn Urdu? Me? Yeah. How language is too much, my friend? I give you something. Okay. Special. Okay. Because you make it the video. Yes. And me also make it the show here. Oh, nice. Because you can take it video also. Yes. Sure. Okay. Thank you. I make it something is very good with you. Damn. Okay, Sergi. Okay, Sergi. Salam. Okay. Assalamu alaikum, kya hal? All guys is good. Here we make it for the my brother. It's kushari. It's black lentils. Yes. Pasta and down rice. Tomato sauce, same salona. Fried onion, chickpeas. Spicy sauce, garlic sauce, salt and pepper. See what do you man? First time I bought half tomato sauce. Oh, same like nice. This. After then I bought the garlic sauce. Garlic sauce? Yeah, lovely this the garlic sauce. Okay, garlic sauce. Spicy. Oh. And now? Salt. Lemon. सही शेफ की बंदा है ये। वाओ जादू 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 कॉप 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 जल्दी 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 भाई जल्दी। कोशारी को मिक्स करना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, इधर इधर इधर। थैंक यू सर जी। वेलकम सर जी। यू आर मेकिंग माय वीडियो, आई एम मेकिंग योर वीडियो। अपनी कोशारी उड़ाने के लिए मैं रेडी हूँ। और कोशारी जो है ये बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में भी खाई थी, ये मिक्सचर है नूडल्स का, स्पेगेटिस का और मिनी पास्ता, साथ में लेंटिल्स, चिकपीस और टोमेटो सॉस और फ्राइड अनियन। हैवी चीज़ें इसके अंदर हैं और अब हम खाएंगे। ओहो, ये वैसे कोशारी का सबसे बड़ा बॉल मेरे पास आ गया। ये कोई मेरा ख्याल है कि ये दो बंदों के लिए है ये डोंगा पूरा, लेकिन
कोशारी आपको इतना डिफरेंट फ्लेवर जो है ना वो उसका मिक्सर आपको मिलता है। बीच में आपको नूडल्स का फ्लेवर आ रहा है, मैक्रोनीस का फ्लेवर आ रहा है, चिक पीस का, लेंटल्स का, टोमेटो सॉस का, साथ में उसने अलग से चिली सॉस डाली है और विनेगर ऐड की है, वो उसका एक यार क्या बात है यार। अबू तारिक इतनी मशहूर कोशारी किसी वजह से है, वो वाकई में खाते हुए आपको एक एक चीज़ अलग फील हो रही है। बीच में जब वो क्रंची फ्राइड अनियन आते हैं और साथ में लेंटल्स इस तरह क्रच करके आपके मुंह में टूटता है और वो ज़रा नरम सा ऐसे दबता है ना चना छोला, ओए होए बहुत आला सीन है यार। मिक्सचर ऑफ फ्लेवर। लाइट माहौल ज़रा यहाँ पे डिम है, एम्बियंस जो है वो ज़रा ब्लू कलर की इन्होंने लाइटें और इस तरफ थोड़ा डिम सा माहौल बनाया हुआ है। फिर पता लगता है कि अच्छा इसमें बॉयल्ड राइस हैं, वही जो जिस तरीके से कायरो के अंदर राइस बनाए जाते हैं, पहले उसमें घी में बनाते हैं, फिर उसको धोते हैं, फिर बॉयल करते हैं। सर जी मज़ा आ गया, शुक्रिया। यस सर जी, शब अगेन, सब्सक्राइब। मैं पहुंच चुका हूं अपने आज के फाइनल स्पॉट पे कायरो में और वो है अल ब्रिंस, कबाबतुल अल ब्रिंस, इस तरह कबदतुल अल ब्रिंस ऐसे करके उन्होंने लिखा था, मतलब अल ब्रिंस कबाब, अल प्रिंस, पी को बी बोला जाता है। तो प्रिंस कबाब जो है ये कुछ साइट्स के मुताबिक पूरे इजिप्ट का नंबर वन रेस्टोरेंट है और बाकी सब के मुताबिक कायरो का नंबर वन तो है ही है ये। और यहाँ पे माहौल लगा हुआ ऐसा, मतलब उन्होंने टेबल भरे पड़े हैं फुल ऑन, जो एक लाइन के अंदर चीज़ें बन रही हैं, लिवर बन रहा है, किडनी, सॉसेजेस, राइस और मलोखिया, हुआउशी इनकी एक चीज़ होती है, ऊपर भी पराठा नीचे भी पराठा बीच में मीट होता है, और मतलब इतनी हेवी क्वांटिटी के अंदर लीवर और सॉसेजेस वगैरह चीज़ें बन रही हैं, एक पूरा मीट का माहौल लगा हुआ है, बड़ी बड़ी वो आग उड़ रही है यहाँ पे, लीवर जो बन रहा है वो बादलों के अंदर है बिल्कुल, इतना उसके ऊपर स्टीम है। और यार मतलब एक जो असल आपको देख के मज़ा आता है ना कि बंदा कहता है कि हाँ मैं देखता रहूँ इस चीज़ को, ऐसा खाने का माहौल है यहाँ पे। लाइन के अंदर हर चीज़ का अलग वो डिपार्टमेंट है कि कहाँ पे क्या बनना है, कहाँ क्या बनना है, खाने से पहले ही मुझे तो मज़े आ रहे हैं यहाँ पे। ये बन रहा है जी बीफ स्टेक, बीफ स्टेक, जन्ना नहीं है जहन्नम है, जहन्नम जहन्नम है। चलो फिर हो लीवर नंबर वन, लीवर नंबर वन, हवाउशी बीफ, हवाउशी लहम, ओह ओके बीफ, अहला हाउस عندي يا احمد تعالوا يا جماعه رقم 1 مصر. اوه ماي جاد يا بكر اللي صار عندك يا بكر
احنا كنا مخبين يا قول له بقى ان احنا عايزين الصور كان محمود ها حطيت جمل وحطيت مكرونه مصر جول مصر 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 ايجي فوتبول 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 يس अभी कोई गोल हुआ है फुटबॉल का मैच चल रहा था वो इसलिए सारे खुश हो रहे हैं अल ब्रिंस ने तो अनी पा देती है यहाँ पे हेवी तरीन सीन चल रहा है यार इनकी इतने डिफरेंट वो चीज़ें मतलब बनी हुई हैं ए मैं इनके वो एरिया के अंदर आया हूँ इनके एरिया में जहाँ पे काम हो रहा है हर चीज़ का एक अलग इन्होंने पोर्शन बनाया हुआ है कि कहीं पे लीवर्स बन रहे हैं कहीं पे सॉसेजेस कहीं पे मैक्रोनी क्या क्या कमाल सीन है यार यहाँ पे ओके मलोखिया ये मलोखिया यहाँ पे अभी उबल रहा है और वो साथ में गार्लिक उसकी जो है वो तैयार हो रही है बटर के अंदर अब वो इसके अंदर जाएगी ओहो गर्मा गर्म गार्लिक के अंदर मलोखिया वेरी नाइस वेरी नाइस मलोखिया ओके वाओ लाइव शो मलोखिया ओके मेरा मलोखिया ओए होए 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 लेवल है यार अल प्रिंस की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मैंने जो चीज़ें मंगवाई हैं वो जो स्पेशल है इनकी एक तो लिवर है लिवर सबसे ज़्यादा स्पेशल है लिवर और किडनी इन्होंने मिक्स की हुई और वैसे मोस्टली लोग बीफ लिवर यहाँ पे खाते हैं लेकिन जहाँ हमें कैमल लिवर मिल रहा हो तो मैंने मंगवाया कैमल लिवर और साथ में किडनीज और असल मेन चीज़ जो मुझे पिछले टूर में पसंद आई है कायरो में वो है मलोखिया ये सूप अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा उस वीडियो में मुझे मेरी एक टॉप फेवरेट चीज़ रही है ये इतना कमाल सूप है ये साथ में मैंने एक प्लेट मंगवाई है जिसमें बीफ स्टेक है बड़ी बारीक बारीक से बीफ के स्लाइसेस हैं जिनको तवे के ऊपर ही बनाया हुआ है फुल ऑन ऑयली शाइनी और जूसी नज़र आ रहे हैं साथ में इनके राइस हैं और फ्राइज़ हैं और बीच में इन्होंने उसके अंदर भी किडनी डाली हुई है थोड़ी सी साथ में तहीनी है और बाबा को नूक है बाबा को नूक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तहीनी मुझे बहुत पसंद है स्टिकी ग्रीन सूप मलोखिया क्या कमाल सूप है इसके अंदर पूरा जो गार्लिक का पेस्ट बनाया होता है उसको बटर में तड़का लगाया हुआ है और वो अंदर डाला हुआ है इतना इसका प्रॉपर गार्लिक का टेस्ट आ रहा है साथ में आपको लग रहा है जिस तरह स्पिनच का कोई सूप बना हुआ है लेकिन ये और लीव्स होते हैं शदीद मज़ेदार है यार हल्का सा स्टिकी और आपके मुँह में से ना ऐसे ज़रा चिलमिल सी होती है खाना मैंने बहुत ही ज़्यादा मंगवा लिया इससे पहले कि सब कुछ ठंडा हो मैं ट्राई करने लगा हूँ कैमल लिवर ज़िंदगी में पहली दफ़ा ओ ये बारीक बारीक सलेटियाँ सी कैमल लिवर की बनाई हुई हैं ओ ये मीट लग ही नहीं रहा यार टेस्ट अच्छा है लेकिन इतना कुछ ज़्यादा वो ऐसे बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं है हल्का सा ऐसे च्यूई है जब आते हैं तो वो क्रिच क्रिच करके टूट रहा है जिस तरह दूसरा लिवर टूटता है बकरे का वैसा बिल्कुल नहीं है वो तो रबरी होता है ये ऐसे कड़च कड़च टूटने वाला है लेकिन टेस्ट वो लिवर वाला आ रहा है इसमें जो उसका होता है ये पता नहीं कच्चा देता है कि होंदा ही है मैं खादा पहली बार वो बहुत ही ज़्यादा कड़च कड़च है हम चलेंगे अपनी दूसरी चीज़ की तरफ जो कि बीफ स्टेक बारीक बारीक इतने इतने बारीक स्लाइसेस हैं जिस तरह बेकन को आप तीन गुना मेरे ख्याल मोटा कर लो तो इतना ये बीफ का स्लाइस है साथ में राइस और ओ हो टेंडरनेस टाइप कोई चीज़ नहीं है बड़ा च्यूई बीफ है आप मतलब खींचना पड़ता है इसे तोड़ना पड़ रहा है लेकिन टेस्ट तवे का जो वो एक स्मोकी टच इसके अंदर है और साथ में बड़ी थिक सी जो ग्रेवी उसके साथ साथ लगी हुई है वो जो मसाला उसको बनाते हुए मसाला बना हुआ है थोड़ी सी चीज़ें वगैरह डाल के वो इसके अंदर प्रॉपर फील है उसकी तवे की और मतलब आपको लग रहा है कि आप हाँ बीफ का मैं टेस्ट ले रहा हूँ लेकिन
कमज़ोर दांतों वाले हजरात के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये। बलदी ब्रेड के साथ लगाऊंगा मैं कैमल लिवर, ज़रा ऐसे दो तीन इसके स्लाइस, ये स्लाइस ही हैं वैसे, और स्लाइस लगा के हम इसको लगाएंगे तहीना के अंदर। ओहो बलदी और तहीना के साथ जो मिक्सर बनता है इनका वो कमाल है यार। और लिवर मतलब बीच में मुझे पता लग रहा है कि अच्छा मैं कोई मीट टाइप चीज़ खा रहा हूँ, वो मेरे मुंह में से क्रच करके टूट रही है, बाउंसी फील करवा रही है, और हल्के फुल्के से कोई फ्लेवर हैं, वो इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ नहीं है। वो वैसे मुझे कह रहा था कि हमारा बीफ ज़्यादा अच्छा है, वो खा लो, मैं कहा नहीं कैमल ले गया, साथ में पिकल्स हैं। आहा, पहले खटाया फिर मिर्चा लगी। नेक्स्ट बाइट है हमारी बीफ स्टेक और राइस। ओए यार बाकी मैं अगर मैं लिवर बीफ मंगवाता तो आई एम डेड श्योर कि वो बहुत ज़्यादा मज़े का। इनके थोड़े से हार्ड राइस होते हैं, हार्ड ऐसे नहीं कि आपको लगे कच्चा है, राइस के ऊपर मलोकिया, क्योंकि मलोकिया और राइस की आपस में मोहब्बत बहुत हैवी है। ओए यार मुझे अभी तक मेरा जो कायरो फूड टूर चल रहा है उसमें मलोकिया एक टॉप की चीज़ है, तहीना, फलाफल, फूल, इनके राइस और ये बीफ, ये टॉप चीज़ें हैं यार, कमाल हो गई। अभी खाना खाते हुए मेरे साथ हल्का सा मखौल हो गया, मैं फुल अपने मगन जो है वो खाना खा रहा हूँ खा रहा हूँ खा रहा हूँ। मेरे एक सीट साइड पे ना आंटियाँ बैठी हुई थी, मिस्री आंटियाँ, वो खाना खाने आई हुई थी, मैं अपने इतना मस्त खाई जा रहा हूँ, उंगलियाँ ये बीफ राइस पता नहीं क्या कुछ, एकदम मुझे राइट साइड से आवाज़ आई माशाल्लाह, मैंने इस तरफ देखा वो आंटियाँ मेरी तरफ ऐसे करके देख रही कि इतना खाना इसने ऑर्डर किया हुआ है और तुम नहीं खड़ा है सारा। मैं देख के हंसा, तो फिर आंटी कहती है कि कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी, मैंने कहा मलोखिया और ये स्टेक और राइस, तो फिर वो उनसे थोड़ी बातचीत हुई। खैर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी ले करें, भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। वो मुझे रोक रहे थे कि प्रिंस आने वाला है आप रुको, मैं कहा प्रिंस नो फिर कभी उधर रॉयल पैलेस से जाके मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।